भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी की एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है। और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी। लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। सारे समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है, अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी, दो जाति ही रहने वाली है, और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और दो जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब, और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है, और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है, और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस सपने को लेकर के हमें चलना है। दोस्तों, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में, ये 2019 से 2024, ये 5 साल का कार्यकाल, और इतना प्रचंड जनमत, प्रचंड मैंडेट, बहुत बड़ी घटना है जी, विश्व को अचंभित करने वाली घटना। पल भर याद कीजिए, यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा, यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा। गांधी 150 और भारत 75, ये हमारे लिए इन 5 साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें, 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था, स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक
एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी। ये 2019 से 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है और देशवासी भी तय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।